गुंडा टैक्स ना देने पर पीड़ित को मिल रही धमकी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की गई शिकायत। बता दें कि रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल के सामने जहां फल ठेला लगाने वाले पीड़ित व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि धोबिया टंकी निवासी रीबू खान दुकान संचालित करने के बदले 100 रुपये गुंडा टैक्स वसूलता था, अब 100 की जगह 200 रुपये की मांग कर रहा है, ना देने पर उसे मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित रानू जायसवाल ने आरोपी की गुंडई का वीडियो भी बनाकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। बताया जाता है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके द्वारा गुंडा टैक्स की वसूली की जा रही है। अब वह SP कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। प्रस्तुत है पीड़ित रामू जायसवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? रामू जायसवाल। क्या शिकायत लेकर SP ऑफिस आए थे? जी सर, मुझसे पैसा लिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। कौन पैसा लेता है? रीबू खान। कौन है? क्या मामला बताइए ना, क्या मामला? मान लीजिए वहाँ पास ठेले लगाते हैं, सरकारी जमीन है, वहाँ पास का पैसा लिया जाता है। आप ठेला लगाते हैं? जी सर। ठेला लगाते हैं सब्जी एवं फल का। कहाँ कहाँ पर? अस्पताल गेट धोबे टंकी में। पैसे परेशान कर रहा है? रीबू खान। कौन है ये? वहीं पास के रहने वाले सर। कब से आपको परेशान कर रहा है ये? मान लीजिए कि पहले पिताजी लगाते थे तो कोई नहीं लेते थे, जब से हमने लगाना चालू किया तो पहले सब्जी भाजी लेना चालू कर दिए, उसके बाद पैसा धीरे धीरे पैसा देना चालू कर दिए। अब वहीं पास मान लीजिए दारू वगैरह पीते हैं, वहीं पास मान लीजिए कहीं आगे लगाते हैं ठेले में, कहीं कुछ लगाते हैं। इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? थाने में भी की थी और ये अमैया थाने में की थी। कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और आपके यहाँ भी दिए थे नगर नियम, वहाँ भी दिए थे, वहाँ भी कुछ क्या बोला जाता है आपको? यहाँ ठेला ना लगाओगे तुम। और हालाँकि कल मान लीजिए कि मेरी ठेला ले गए और थाने गए, थाने से मान लीजिए फ़ोन लगाया गया तो ठेला हमारा मिल गया और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। कार्रवाई कुछ नहीं? कब से? मतलब पिताजी भी आपके वहाँ? पिताजी भी लगाते थे। आप काम कर रहे? हाँ जी 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 जी। लगभग 2-3 साल से? आप नहीं, कम से कम मान लीजिए 15 वर्ष हो रहे हैं। 15 वर्ष? जी। अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। वो कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये सब वहीं के हैं, बैठेंगे सर। काफ़ी बड़ा बस उनको पैसा मिलता रहे तो मतलब कुछ ना होगा, पैसा बंद कर दिया तो मान लीजिए कि नगर निगम को भी आप पैसा देते हैं? 10 रुपये पर्ची टैक्स देते हैं। फिर भी आपको परेशान? फिर भी मान लीजिए प्रताड़ित किया जाता है। क्या नाम है आपका? रामू जायसवाल। कुछ वीडियो भी है आपके? जी जी वीडियो।